हेलो एंड वेलकम टू बट्टा फास्ट। मैं हूँ अहमद नकवी, मेरे साथ उस्मान समीउद्दीन। और बैकग्राउंड में एक कोइंसिडेंस है कि एक सायरन बज रहा है, अलार्म है। बट इफ यू आर अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन तो आई थिंक आपके पिछले कुछ दिन इसी तरह गुजरे हैं कि आपके कानों में अलार्म सायरन की आवाज़ गूंज रही है। ऑफकोर्स मैं जिक्र कर रहा हूँ पाकिस्तान ने एक हिस्टोरिक एंड लिटरली मोस्ट पाकिस्तानी पाकिस्तानिज्म में लिटरली मोस्ट पाकिस्तानी पाकिस्तानिज्म में बांग्लादेश से टेस्ट मैच हारा है, विच वॉज जस्ट या वन ऑफ द मोस्ट एवोकेटिव पाकिस्तानी रिजल्ट इन लॉन्ग टाइम। और पाकिस्तान ने मतलब आजकल काफ़ी जिल्लत देखी हुई है। तो उस्मान, I'll let you start with like giving us the rant here. Long time mein tum, yani you mean like 2 months, right? Because abhi USA se haare the hum log, I think. Is it worse than that? Like main yahi se kehne laga tha ki abhi bhali mein to bahut sari cheeze hui hain, but jis tarike se nazreen, ek second Usman, agar aap mujhe ek lamha dijiyega ki Usman ne jo pehle din baatein ki hain jo sirf मैं, खुदा और ISI जानती है, वो उस पे तो काफी बड़े बड़े उस्मान ने इल्जाम लगाए थे। तो उस्मान, अब प्लीज, मैंने उसी बात को नजर में रख के इंट्रो दिया था। खैर, इट्स बीन अ फ्यू डेज, सो आई लेट यू टेल इट इन योर ओन वर्ड्स। या यू नो, बिकॉज़ इट्स बीन अ फ्यू डेज, आई डोंट फील एनीथिंग फॉर दिस डिफीट राइट नाउ। मैं एकदम लाइक, आई थिंक हमने, तुम उस दिन सुबह में कितने बजे उठे थे, तुम्हारे कितने मैसेजेस थे, कोई 8,000 मैसेजेस थे आफ्टर द डिफीट। विदाउट एनी जोक्स, पेस इज पेस, 838 मैसेजेस थे। आई स्लेप्ट लाइक मे बी 6 hours। या इट, अब मैं क्या कह सकता हूँ, इट हैज, आई रैंक इट एज लाइक टॉप 3 टेस्ट लॉसेस इन पाकिस्तान हिस्ट्री। और एक तरह से हम थोड़ी सी बदतमीजी कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के लॉस से शुरू कर रहे हैं ना। वी शुड एक्चुअली स्टार्ट विद बांग्लादेश'स विन, बिकॉज इट्स अ रियली, इट्स देयर ग्रेटेस्ट टेस्ट विन, नो डाउट इन माय, अपार्ट फ्रॉम न्यूजीलैंड जो कि थोड़े से हेल्पफुल कंडीशन में थी। बांग्लादेश ने पाकिस्तान में आके, ना सिर्फ पाकिस्तान में मगर पिंडी में, जो कि एक शहर है जो माशाल्लाह से किसी एक इदारे का हेडक्वार्टर्स है, जिस इदारे का एक रोल था कई साल पहले किसी चीज में, और अब बांग्लादेश आके वहां पे जीता है। इट्स एन अमेजिंग विन फॉर देम। और यू नो, अगर उस्मान एक दफा फिर से माफ कीजिएगा, मगर अगर ये दिफाई अंदाज पाकिस्तान के बैट्समैन ने दिखाया होता आखिरी दिन, जो ये देखिए, उस्मान समीउद्दीन एक मंझे हुए खिलाड़ी, क्या महारत से उन्होंने जो इतनी डर्टी पिच पे ये आपको अभी एक जुमला कह के सुनाया है। वाह यार, दिस इज फोर्थ डे बैटिंग, बट फिफ्थ डे बैटिंग, बट यस, जो कुछ बांग्लादेश में चल रहा है पिछले दिनों, यू नो, विद द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, द डेथ्स ऑफ सो मेनी पीपल, द वायलेंस, यू नो, व्हिच इज a violence, hamara jo correspondent hai Mohammed Assam, who's in Rawalpindi right now, he's actually traveled to Lahore and come back in Pindi, but you know, wo keh raha tha ki uske, the generation before him, like his parents and mamus and khalus and khalas and all, said ki aisi violence unhone shayad us 70 mein bhi nahi dekhi ho, you know, jis tarah ki unhone is, yeah, it, so you know, it's anecdotal evidence obviously, magar I think the level of violence jo thi na, usse kafi log hile hue the. And then you look at, you know, various things, Shakib ke khilaf jo case laga hua hai, jo ke, I mean, you know, it's crazy for a guy, wo jaisa bhi hai Shakib Al Hasan, you know, people hate him as much as they love him, magar for him to operate under that kind of pressure on that final day, just throughout this entire test match, the fact that ye khud bhi Bangladesh ki probably best team nahi thi, अगले टेस्ट में तस्कीन विल बी बैक, ही मिस्ड द फर्स्ट टेस्ट, यू नो, इबादत उनके साइड में नहीं है कुछ दिनों से, बट ही इज अनदर फास्ट बॉलर दैट दे वुड, यू नो, वुड नेरली इन सर्कमस्टांसेस पिक,
उनके जो एक ओपनर तमीम इज नो नो लॉन्गर तमीम इकबाल इज नो लॉन्गर इन द साइड यू नो सो इट्स इट्स अ फेयरली काइंड ऑफ इट्स नॉट देयर बेस्ट साइड एंड फॉर देम टू विन अ टेस्ट जो के आधा दिन बारिश में चला गया एक ऐसी पिच थी जो के आखिर दिन तक भी जितना भी पाकिस्तानी बैट्समैनों ने दिखाने की कोशिश करी कि वो पिच है वो नहीं थी वैसी कुछ इंच उनके आई थिंक 10 बॉल से भी कम टर्न हुई होंगी या कुछ हुआ होगा उनपे तो फ्लैट पैनकेक फ्लैट पिच पे यू नो समहाउ दे विस्ट आउट द विकेट्स और फिर आई थिंक क्या डेढ़ सेशन रहता था मैच में तो आपने आधा दिन लूज करा है शुरू में और डेढ़ सेशन आपके रहते थे एंड में and they managed to win by 10 wickets you know so it's a thumping it's a great win context mein not forgetting memorably during the I think second day of the match BCB ka naya president aaya ending the reign of Nazmul Hasan Papon the greatest craziest BCB leader president ever naya president aaya Farooq Ahmed jo ke khul ke usne press conference mein bola ke हथुर सिंह मेरे कोच तो नहीं है द हेड कोच ऑफ बांग्लादेश इज लाइक नहीं मैन नहीं उन्हें रेट करता है एज अ कोच यू नो सो विद दिस कॉन्टेक्स्ट फॉर देम टू पुल ऑफ दिस विन इट्स गोना गो डाउन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड ऑनेस्टली यू नो जितना लोग पुट डाउन करते हैं बांग्लादेश को एज अ क्रिकेट साइड एंड यू नो समटाइम्स बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स यू थिंक कि हाँ वाकई में बात सही है बिकॉज दे वर अबिज्मल इन द T20 वर्ल्ड कप बहुत सालों से वो सिर्फ होम मैचेस में एक थ्रेट थे टेस्ट मैचेस में बाहर जाके यू नो इक्का दुक्का विक्ट्रीज होती थी सो इवन इफ दिस इज वन ऑफ दोज इक्का दुक्का विक्ट्रीज आई वुड स्टिल से इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट विन्स फॉर द परफॉर्मेंसेस दैट दे पुट अप यू नो आल्सो बिकॉज पाकिस्तान क्लियरली डिडंट रेट देम जिस तरह से पाकिस्तान ने प्लानिंग करी है इस टेस्ट मैच की जिस तरह से खेला है दे डिडंट रेट देयर चांसेस दे वर लाइक वी आर गोना ब्लो देम अवे विद पेस यू नो एंड दे रियली डिड नॉट ब्लो देम अवे विद पेस इनफैक्ट Pakistan's own best batter got blown away by the pace of Nahid Rana, who was the quickest bowler in this test match. So, you know, all these things made it just an absolutely beautiful moment for Bangladesh. And I really hope, you know, for the sake of, and this is me just being a Buddha uncle who likes test cricket. And I think you were going to talk about at some point about how much you enjoyed watching a test match. But as a Buddha uncle who likes test cricket, I really, really hope के बांग्लादेश ऐसी और कई और performances ऐसी दे सकें घर पे भी away from home and they keep doing it you know and guys like Shakib जिसके इतने सारे साल अब नहीं रहते हैं क्रिकेट में मगर वो भी ऐसी ऐसी performances देता रहे you know he was under so much pressure यार Shakib कनाडा में फंसा हुआ था during the time of all this civil unrest and people were like यार कैसा है Shakib ऐसा बकवास ये वो भाग गया है मुल्क से came back had a murder case he's still not been back to Bangladesh has a murder case put on him, comes up with a dream performance on the final day of the test match. Yani really old school Shakib. Jo bowling kara raha tha, Isam ne again wrote a beautiful piece today about usne jo technical changes apni bowling mein laye. He was bowling slower. He was giving it a more of a tweak. He really bowled like a lovely dream spell. It was a pleasure watching him. You know, so for all those reasons, like just a great, great win. And also for the reason that I'm sick and tired of talking about Pakistan losing this test match because they were just so awful. But I will let you kick off the post-mortem of Pakistan. I feel if you can give me a few minutes also to discuss the Bangladesh angle to it. Yeah, of course. UK, you know, you talked about like the tactical and the cricketing aspect of this, right? And when you're watching a match, one reason that I was always suspicious about as Pakistan in this situation is that, you know, and I remember at one time I even written an article on this. When Pakistan enters a situation where there's like, where they have to just do something really simple to draw the match, which so it happens in test cricket only. Or okay, it's like bat a session on a dead pitch or two sessions or something like that. Or chase maybe 300 in two sessions and you've batted like in almost all these cases, we've batted really well in the first innings. In the first innings, yeah. Yeah. And then when you get to that final phase where there's something really simple that has to be done and maybe they'll even get like, you know, two down for 80 or something. And then suddenly, you know,
और ये दिस इज समथिंग दैट यू नो इन टेस्ट क्रिकेट इज इन जस्ट यू नो कॉपीराइटेड बाय पाकिस्तान. इट्स समथिंग दैट हैपेंस विद वीक साइज, राइट? लाइक विद साइज दैट डोंट हैव दैट स्केल एंड क्वालिटी, दे विल गेट फाउंड आउट इवन इफ लाइक द पिच इज रियली इजी और व्हाटएवर. बट लाइक बिकॉज द मैच लास्ट सो लॉन्ग, there will be a moment where the stronger team will play better, right? Or when there's like when there's two sides that have equally equal kind of weaknesses. I think Bangladesh, even more than Pakistan, knows that feeling of being in a test match where you batted at least or played at least well, or you're in a position to win it, and suddenly you've collapsed and lost that, right? And particularly against Pakistan, they have a few famous examples. And I think that's obviously something that you have to deal with as a test side. So from that perspective as well, in that match, once Pakistan had put up that big score and they had those four fast bowlers and they made them bat in the final session, and they did all of those things right in the first couple of days, and Bangladesh had to withstand that. And obviously, I don't want to overstate it. The pitch was easy, but given all of their issues, as you've pointed out, like just not just on the field but off the field, for those guys to put together a great first innings or epic first innings and then be able to hunt Pakistan down in that moment, it would have been easy, like many times in the past, for Bangladesh to lose the initiative, right? And Pakistan to somehow find a way to win a match they didn't deserve. Pakistan's done that a lot of times against you know, sides like Bangladesh or Afghanistan, Sri Lanka, West Indies, जो हमारी यू नो सॉर्ट ऑफ लेवल की टीमें हैं. तो उस तरीके में आपके पास जब ये हो रहा है, दैट मोमेंट दैट बांग्लादेश डिडंट लूज देयर नर्व एंड दैट दे टुक दैट इनिशिएटिव, लाइक यू नो दे वर ऑन दैट फ्रंट फुट आफ्टर हैविंग विदस्टूड पाकिस्तान्स बेस्ट शॉट ऑन द फर्स्ट लाइक डे एंड अ हाफ और व्हाटएवर, यू नो ट्रंकेटेड फर्स्ट डे, सेकेंड डे, एटसेट्रा, राइट? दैट टू मी वॉज रियली रियली अमेजिंग टू सी, बिकॉज बेसिकली that's the mark of you improving or at least showing your ceiling as a test side, right? You have people who can bat well, who have people who can like find, like I think test match doesn't need, that's a beauty about it. Okay? When you've got teams like Pakistan, you don't even, you can throw in the deadest of dead pitches and still have situations where Pakistan panic. They've obviously done this just in the recent part against England as well on the same ground, if I'm not wrong. And you know, they've frequently done this in throughout their history. But in that moment, I feel like so has, you know, Bangladesh has those moments as well. And this was such a sleepy match. This was such a match where like this the narrative was okay, Pakistan is doing this and attacking and positive and whatever. And Bangladesh played equally, if not more positive. And you know, whatever cliche you want to use, braver or mind whatever, courageous, blah blah blah. But it was just more, they were more present throughout. And that's a mark of a quality test side. It doesn't mean that you fluked your way there, or you know, you had like luck with the toss, or the conditions really changed, or the umpiring was bad. Like none of those things came into play. It was probably one of the hardest places to get a result for a good side, for a high quality test side. For somebody like Bangladesh who'd been having a lot of troubles, and we'll discuss this in much greater detail, के बेचारे पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी टीमें मैचेस ही कितनी हेल्थी हैं, तो वो इनके पास मतलब जो भी आपको दोनों टीम जीते हारे वगैरह, जब वो जीतते हैं तो आपको तारीफ करनी होगी, जब वो हारते हैं तो आपको ये बात कहनी पड़ेगी कि यू नो थ्रू आउट दैट आई डोंट वांट लाइक ओके आई गेस दिस इज अ सेगवे टू इट, द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप व्हिच आई वाज जस्ट लाइक इट वाज इरिटेटिंग टू द हेल आउट ऑफ मी, एंड इट वाज द ओनली थिंग दैट वाज इरिटेटिंग मी आउटसाइड. I really enjoyed watching the test match. I was really transported to that kind of muggy Pakistani morning, first day of a test match, or you know, you can be cooking during it or working during it or whatever. Like, it's just there. You can keep checking it. You can focus. You can go out of focus. It's a beautiful ritual in that way, test match cricket. But, उसके साथ मतलब व्हाट आई वाज गेटिंग रियली इन्फ्यूरिएटेड बाय एज द मैच प्रोग्रेस्ड एंड एज आई थॉट अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस, द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इज ऑस्टेंसिबली अ लीग व्हिच रैंक्स इटसेल्फ ऑन विन परसेंटेज, एंड इफ यू वांट टू अप्रिशिएट टेस्ट मैच क्रिकेट एंड प्रिजर्व टेस्ट मैच क्रिकेट, हाउ द हेल कैन यू हैव
a way to rank it which completely absorbs all the nuance that test match possesses. मतलब इसमें ये भी नहीं है कि आपने कहाँ मैच जीता, किसके खिलाफ जीता, होम पे जीता, अवे जीता, विनिंग परसेंटेज. और व्हाई इज देयर विनिंग परसेंटेज? बिकॉज़ देयर थ्री टीम्स दैट आर प्लेइंग लाइक 19 to 22 मैचेस एंड नोबडी एल्स इज प्लेइंग मोर देन 14 एंड टीम्स लाइक बांग्लादेश एंड वेस्ट इंडीज आर बेयरली मेकिंग इट टू डबल डिजिट्स. दैट्स योर टेस्ट परसेंटेज rather than yeah, actual points. Exactly. So, you know, because it's too hard. No, like the percentage works perfectly in, for example, aapki favorite ek league hoti hai, NBA ki, ya NFL mein bhi, I think, wo winning percentage pe jaate hain, but everyone plays like an equal number of matches there. They all play each other, you know, and so there's some fairness there to the, and some logic to the structure. Magar isme to na aap har team se khel rahe hain, na aap har cycle mein home and away khel rahe hain, you know, against the same sides. Aap kuch 5 test ki series hai abhi, you know, India aur Australia ki 5 test ki series hai December mein, which is as much a jeopardy for either side of their chances of making the final as it is a boon or a bonus, you know, to make the final. I mean, dekho, but like in that way maybe it's difficult for the players and the coaching staff, but everyone else is in that situation is profiting from that, right? And it is like, it's like even interesting if you and I are looking to cover test match cricket, to wo sabse zyada dilchasp cheez yahi hai ki ha yaar kya hoga, kaun jeetega, ye wo. But jo sabse matlab wohi behuda baat hai, and it's, this is in their individual rankings and team rankings as well, ki cricket is not like, you know, ki basketball mein, football mein, if winning percentage has been used, those games, those sports are maybe to some extent affected by some, you know, variance from area to area. Ki agar aap you know, Denver mein khel rahe hain versus New York, the air quality, the height, but your rules are mostly the same na, your exactly right, then yeah, cricket mein the same city on the same day will produce two different kind of situations. Yeah, the same ground will produce five different situations. So it's like, I obviously I'm not saying you have like a super complicated system, but this is laughable. Like, this is something like, you know, that a child would be like, once I've understood test cricket, like, how the hell am I supposed to accept this? Like, it's so stupid. But that's how it goes. Aur to phir wahan pe baat wapas yahi aati hai ki Bangladesh ki agar team hai, where, you know, they'd got, well, one of their openers was who was coming back after like a long layoff. Their bowling mein, you know, the Naheed was just, you could tell, was like this really exciting prospect, kind of something Pakistan would do, okay, oh, nine, you know, throw him into the fray. And he actually did that, right? Like, wo, Asad ko bada dukh ho raha tha ke, I can't believe Bangladesh will have the fastest bowler in this test match. But I was thinking, like, it's not like Pakistan has, like, and we'll get to Usman's on how bad they were, but it's not like Pakistan has bad fast bowlers. But it's just that Bangladesh has somebody who's faster, and his quality was, you know, is betraying the fact that uska dusra hi test match tha, magar usne jis tarike se, he stuck to it and he delivered in that innings as well. That's not something that they're getting a chance to do. That's not something that they're playing a lot of great fast bowling pitches, that they are playing against good sides, that they're getting to like figure out. You could, khas taur pe pehle din pe jo mere notes the pehle aur dusre din pe, ke like, I just thought Shantu's captaincy was you know, falling to like, acha hum log left arm spin karate hain, hum log spin karate hain, to fir bhi over mein spinner ko le aao, aur acha fir ab main spinner ko le aaya hu to fir theek hai, ab main Shakib ko nahi dunga till like the 60th over or something. He was behind, but again, like, by the time they bowled in that final innings, they were, I wouldn't say ki bahut koi superb kaptani kar rahe the, but they were just completely clued in. They knew what they had to do and they did that. You know, tum pehle keh rahe the na ki they played kind of attacking, aggressive cricket. More than anything, Bangladesh just played smart. Unhone pitch ko assess kara. Unhone ye nahi kaha ki hum ispe spinner khilayenge nahi, because they knew ki yaar hum is कुछ तो स्पिनर खिलाने, एक हमारे पास, ऑफ कोर्स वी आर फॉर्चुनेट टू हैव वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इन द गेम इन शाकिब, हु इज लाइक यू नो अ स्पिनर एंड ही कैन
जब शाकिब अच्छी भी बोलिंग नहीं करा रहा होता या यू नो कोई इंसाइसिव बोलिंग भी नहीं करा रहा था, ही कैन स्टिल गिव यू 20 टू 25 ओवर्स इन एन इनिंग्स ऑफ गुड कंट्रोल, यू नो आपको एक एंड से कंट्रोल कर सकता है. सो दे आर ब्लेस्ड टू हैव शाकिब एनीवे, बट यू नो दे आल्सो हैव मेहदी हु इज आल्सो लाइक यू नो काइंड ऑफ एन ऑलराउंडर हु केम आउट एज अ स्पिनर इनिशियली, हैज गॉट अ ग्रेट रिकॉर्ड. तो यू नो बांग्लादेश जस्ट प्लेड स्मार्ट क्रिकेट एंड दे न्यू के एक बार एक दो विकेट ऊपर से गिर गई थी जब पाकिस्तान की, सो देन दे कुड पुट प्रेशर ऑन बाय डूइंग सिंपल स्टफ यू नो एंड द वर्किंग आउट ऑफ बाबर आजम वाज यू नो प्रोबब्ली द सिंपलेस्ट थिंग नाहिद राणा विल डू इन हिज लाइफ. यू नो आप फास्ट बॉलर जब आता है वो पाथवे पे भी नहीं आया टैलेंट पाथवे, तो लोग कहते हैं कि यार यू नो एक स्ट्रेटेजी होना है बाउंसर 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 फिर एक फुल बॉल देते हो. इट्स दैट सिंपल. इट्स लाइक द लीस्ट मैजिक ऑफ ऑल मैजिक ट्रिक्स ऑफ अ फास्ट बॉलर. And that's exactly what he did with Babar Azam, and he got him, you know. So they were just smart. They were smart, and it you know, and I think that smartness actually contrasts with how unsmart Pakistan were throughout this game. Puri game mein, jis tarah se wo baatein kar rahe the, jo keh rahe the, you know, right from Azhar Mahmood, shuru mein keh raha hai ki shayad hum spinner ye pure season hi na khilaye, hum Pindi mein England ke khilaf bhi na khilaye. फिर टीवी पे आके कह रहा है कि यार बांग्लादेश तो इतना स्लो खेल रहा था कि हमारी चांस जीतने की चली गई. यू नो आई मीन यू नो ही डिडंट मीन इट इन क्वाइट दैट एरोगेंट अवे, बट जस्ट काइंड ऑफ बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर सेइंग अबाउट द ओपोनेंट दैट यू प्लेइंग अगेंस्ट, अबाउट द सिचुएशन दैट यू फाइंड योरसेल्फ इन, एंड अबव ऑल अबाउट द स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस ऑफ योर ओन टीम, व्हिच ब्रिंग्स अस मोस्टली टू द लिमिटेशंस ऑफ दिस पाकिस्तान साइड. You know, which I think the test side, बहुत बहस हुई है हमारी internally भी हुई है और लोगों से भी हुई है who are involved with the side. मगर you know कुछ देर बाद like when the dust has settled a little bit, you look back at this result, you look at Pakistan की जो recent run है test cricket में, it's possibly like their worst run ever at home, like in terms of you know they have lost 5 out of their last 9 test matches at home, I think. 3.5 saal se jeete nahi hai wo test match ghar pe. Ek Daniel ka piece aaya hai like looking ahead to the next test and looking at this Pakistan side, usme bada acha usne bola hai ke you know not only do they not know how to make a pitch to give them a home advantage, but they then don't know what kind of side to pick for that pitch. You know, to isme aapne यानी 4 फास्ट बॉलर्स एंड देन यू सॉ द स्टेट ऑफ दिस पिच, यू थॉट कि यार ये लोग कौन से उसमें, ये लोग कौन से नशे में, ये यू नो वो कहते हैं ना कि यार ये वाला नशा मुझे भी करना है, ये कौन सा नशा था यार कि आपने ऐसी पिच पे 4 फास्ट बॉलर्स पिक कर लिए. लाइक अजहर महमूद केम आउट एंड सेड के नो वी डिडंट रीड द पिच रॉन्ग, इट जस्ट डिडंट डू व्हाट वी थॉट इट शुड डू, व्हिच इज द सेम वे ऑफ सेइंग दैट यू डिड रीड द पिच रॉन्ग, यू नो. सो आई मीन No, even if you had made that pitch, you kind of have to look at this pace attack. And I know they have a better record away from home than a much better record. They have a pretty good record away from home than they do at home because the home pitches are so terrible. Lekin, you know, test matches mein hum log thoda sa overstate karte hain Pakistan ki pace ki quality. Naseem is lots of potential, magar abhi he's still very young into his career. Ek already usse injury ho chuki hai, lambi chaudi. Uske track record hai, magar kitna Naseem hai. Pehla test match tha, you can't say, you know, pehla test match tha after his return from injury. Shaheen is the big, for me, like a really big question mark right now. Okay, Shaheen ki khud motivations kitni hai test cricket ke liye, generally Pakistan ke liye kitni hai. And I fully understand जिस तरह से शाहीन को ट्रीट करा गया है सिंस हिज इंजरी, सिंस ही पिक्ड अप द इंजरी, सो इंक्लूडिंग हिज रिहैब, इंक्लूडिंग कप्तानी का जो हुआ है उसके साथ, इन ऑल दोस थिंग्स आई सी कि यार शाहीन हैज रीजन टू बी डिसग्रंटल्ड एंड डिसकंटेंट. बट आप फिर भी अगर देखो, आई हेट मेकिंग कंपैरिजंस टू पास्ट प्लेयर्स बिकॉज यू नो वो डिफरेंट सर्कमस्टांस थे, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट थे, लेकिन अक्सर ये होता था कि अगर कोई फास्ट बॉलर बहुत ही तपा हुआ था बोर्ड से या कप्तान से या और प्लेयर से, तो आई रिमेम्बर कि यार वो प्लेयर फिर आके कोई अलग ही परफॉर्मेंस दे रहा था, यू नो ही दैट एक्चुअली यूज्ड टू फायर हिम अप. एंड राइट नाउ आई फील लाइक ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर काइंड ऑफ वेइंग शाहीन डाउन अ बिट, व्हिच
I'm not blaming him for it. It's completely understandable. But, you know, the pace is down. The rhythm is kind of out. He's not swinging the ball anymore. Hardly at all. Na wo white ball mein kar raha hai, na red ball mein kar raha hai. You know, and then you look at, like, spin ko nahi khilana. Abrar ke saath kya issues hain. Abrar ke saath hum dono ne suna hai ke, you know, off-field, uski behavioral issues chal rahi hain. Magar, yaar, mera ye sawal hai ke uski behavioral issues कितनी हो सकती हैं कि यू मेक इट यू जस्टिफाई नॉट पिकिंग हिम एंड गोइंग विद एन ऑल पेस अटैक और आप जस्टिफाई करते हैं अपने सर में कि सलमान आगा जिसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ उसकी बैटिंग है आप उसे अंडर प्ले कर रहे हैं और उसकी जो सेकेंडरी स्किल है जो कि बोलिंग है आप उसे ओवर प्ले करके कह रहे हैं कि वो स्पेशलिस्ट बॉलर है सलमान आगा सलमान इज नॉट अ स्पेशलिस्ट स्पिनर येट शायद वो बन जाए लेकिन दैट वुड रिक्वायर अ ट्रांसफॉर्मेशन ही इज नॉट अ स्पेशलिस्ट स्पिनर येट लेकिन अब्रार से आप इतने ऑफ हो गए हैं पुट ऑफ हो गए हैं कि आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं आगा सलमान हमारे लिए स्पेशलिस्ट स्पिनर का रोल खेलेगा भाई आगा सलमान ने कब आपको एक स्पेशलिस्ट सलमान अली आगा सॉरी यार हम लोग की वेबसाइट कब से उसका नाम उल्टा ले रही है खुद बेचारे ने रिक्वेस्ट भेजी है पीसीबी के थ्रू कि यार प्लीज क्रिक इन्फो मेरा नाम ठीक कर दो सलमान अली आगा कब था एक स्पेशलिस्ट स्पिनर और आपने कैसे सोच लिया यू नो द थिंकिंग इन द पाकिस्तान टीम सीम्स टू बी कि अगर आपको स्पिन खिलानी है तो आपको सलमान आगा को ड्रॉप करना पड़ेगा ये दिस टू मी इज रियली वियर्ड थिंकिंग बाय द वे बिकॉज सलमान अली आगा इज नॉट कम्पीटिंग विद अ स्पेशलिस्ट स्पिनर इन दैट साइड ही इज कम्पीटिंग विद लाइक अदर लोअर ऑर्डर बैट्समैन सलमान अली आगा प्लेज द शफीक पापा शफीक पोजिशन यार ये आप सो यू नो दिस थिंकिंग एंड दिस असेसमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ प्लेयर्स आई नो आई हैव डाइग्रेस्ड क्वाइट अ बिट बट You know what I'm getting to generally. Okay, no, you know, no, I feel that this is a very important because we have, I'm sure, agar ek do din, I mean, us din ki hoti episode ya uske ek do din baat ki hoti, to hum log abhi zyada usse mein, zyada gehrai mein ye baat kar rahe hote ki ye players kitne kharab hain ya kharab nahi hain aur hum log iffy aur vaase hote. I mean, iffy aur vaase. Main iffy hota. हाँ बट अभी इफ यूर वासे तो प्रॉप यू नो वो तो एक नए लेवल पे है बट दैट वाज द इमीडिएट काइंड ऑफ रिएक्शन आई थिंक ऑब्वियसली टेस्ट मैच क्रिकेट तो इतना लोग पागल नहीं हुए बट अब जब कुछ दिनों बाद हम बात कर रहे हैं यू नो यू हैव बीन टॉकिंग अबाउट ऑल दीज इंस्टीट्यूशनल इश्यूज राइट और हमने कुछ अरसे पहले एपिसोड भी कर लिए तो अब लोग चिक चिक बंद कर सकते हैं क्योंकि People were asking us कि जी आप लोग रमीज राजा के इतनी क्रिटिसिज्म क्यों करते हैं इतना अच्छा था बोर्ड के लिए था वो था लाइक ऑल ऑफ व्हाट यू बीन टॉकिंग अबाउट यू कैन लुक एट दैट सो पाकिस्तान रमीज राजा कम्स इनटू द वर्ल्ड एंड ही इज नॉट द कॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स बट वो आते हैं और उन्होंने कहा कि जी हमारी पिचेस तबाह हैं और मैं सब कुछ बदल रहा हूँ ब्रिलियंटली दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही हैड डन 20 years, well, at this point, it's 16, 18 years earlier when he was CEO of PCB. Yeah. He had messed up the pitches completely, chasing something that was impossible to chase. And that you results, you saw that Pakistani players were coming out in the Misbah era who could not bowl really fast and who couldn't bat really big, were coming because of these treacherous pitches that Rameez Raja had created. Now he's done this again. He was there for a short while. He's been followed by... एक से बढ़ के एक यू नो अजूबा एज चेयरमैन मगर जो उन्होंने यह हरकत कर डाली थी कि वैसे ही टेस्ट क्रिकेट को कोई मतलब ज्यादा अटेंशन नहीं मिलती है वैसे ही हमें कम टेस्ट मैचेस खेलने को मिलते हैं और उसके ऊपर आपने ये एक हमारी छोटी मोटी अगर कोई स्ट्रेंथ हो भी सकती थी कि अच्छा ठीक है आपके पास टेस्ट ठीक है शाहीन इतना अच्छा नहीं खेल रहा नसीम कंजरी यू हैव अ लॉट ऑफ फास्ट बॉलर्स राइट सो यू कुड डेवलप समवन और अनदर वो भी आपने तबाह कर दिया यू डिड दैट एट अ टाइम वेयर अगेन पाकिस्तान हैज नॉट हैड अ वर्ल्ड क्लास स्पिनर काफी अरसे से तो वो मतलब कि मैं ठीक है यू पेस बॉलिंग के भी ऊपर सवालिया निशान होंगे मगर वहां पे तब भी आपके पास ज्यादा ऑप्शंस रही हैं वो भी आपने एडवांटेज खत्म कर दी कि जी नहीं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड आएंगे तो उससे बेहतर है हम लाइक रमीज राजा को कोर्ट है इसके ऊपर तो इट्स नॉट इवन कि मैं ये कोई साजिश बता रहा हूँ लिटरली सेज कि हम कम्पीट नहीं कर सकते उनसे एंड That's always been his mentality. Like, it's not just him. There's a lot of people who come in and who believe that this all of this is broken and I need to fix it. And there are no, what you're describing, itni der se ke jo toota hua, like, you know, jo what you're trying to fix what's not broke,
एंड दे की ब्रेकिंग व्हाट्स फिक्स्ड राइट. एंड दिस इज समथिंग के अगर हम मोहसिन नकवी के पास आए, ठीक है, जिनको उन्होंने जितना उनको टेस्ट मैच के बारे में परेशानी हो रही थी, ही हैज कंप्लीटली फॉरगॉटन दैट इज एन इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री दैट इज फेसिंग वंस अगेन लाइक दीज एब्सोल्युटली इनसेन चैलेंजेस दैट आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड एंड विल रिक्वायर रियली डेलिकेट मनूवरिंग. और वो पता कर रहे हैं कि जी वो चार पेस बॉलर किसने खिलाए थे. दैट्स द नहीं, बेस्ट मिनट्स थिंग. चाहिए, सिलेक्शन मीटिंग के मिनट्स चाहिए मुझे। आई मीन के हाय बडी, लाइक योर डे जॉब, देयर इज सम स्टफ हैपनिंग, देयर इज लाइक सेक्टेरियन इश्यूज, देयर इज इश्यूज हैपनिंग विद लाइक इन अदर प्रोविंसेस अदर देन द वन दैट रूल्स अस. और मोहसिन साहब, चले अब ज्यादा तफसील में नहीं जाते हैं उनके पास क्या कैपेसिटी है क्या नहीं है, बट लाइक इवन एज अ चेयरमैन ही हैज वंस अगेन लाइक बिन पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम. क्योंकि अगर आप यू नो व्हेन यू टॉक अबाउट लाइक आपने स्पिनर नहीं खिलाया है इतने अरसे से, पाकिस्तान का पूरा सेटअप कीप्स चेंजिंग एंड चेंजिंग एंड चेंजिंग एंड चेंजिंग लाइक बट एवरी ऊपर से लेके नीचे तक, सेलेक्टर्स, चेयरमैन, देन ऑब्वियसली द कोचिंग स्टाफ एक्सेट्रा. यू हैड वन कॉन्स्टेंट, अगर बाबर की कप्तानी जो थी उसका वही था कि लाइक यू नो यू एंड आई बोथ बिलीव दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन वी शुड हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट. दैट कुडंट हैपन इन अ प्रॉपर वे, दैट इट वाज डन इन अ हॉरिबल वे, दैट इट वाज अनडन इन मोर हॉरिबल वे. और अभी जैसे शाहीन के ऊपर अगर हम बात करें, जस्ट गिव वन एग्जाम्पल, लाइक यू नो शाहीन वॉज, देर इज नो डाउट अबाउट इट, वॉज लाइक वन ऑफ दी मोस्ट एक्साइटिंग फास्ट बॉलर्स टू कम आउट ऑफ पाकिस्तान एवर. एंड ही वॉज रियली गुड, ही वॉज ग्रेट इन द 2019 वर्ल्ड कप, ही वॉज ग्रेट इन लाइक ऑल काइंड ऑफ स्पेशली आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान. और इंजरी होती है जिसपे उसको पीसीबी ऐसे ट्रीट करता है जैसे अमेजोन अपने वर्कर्स को ट्रीट करता है ना, कि भैया हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, हम तो ये पाकिस्तान क्रिकेट नहीं खेलता है, हम थर्ड पार्टी से एम्प्लॉय हुआ हुआ है लाइक. And then like dude, and he's living in like some motel in near Heathrow and like getting अपने पैसों से वो NHS के पास जा रहा है, whatever, like was doing that, but that's what happens to him. Then के when he really comes his own, does like becomes this kind of domestic superstar, जीत रहा है PSL ये वो, which whether we like it or not, in Pakistan cricketing universe carries a lot of weight. उस वक्त आपने फिर उसको कप्तान बनाया है, एक फालतू सीरीज के बाद नए चेयरमैन ने उसको मिड PSL जैसे इज लाइक या ब्रो ये निकलने वाला है, एंड फिर वो निकल जाता है. और अभी के कुछ जो कॉन्ट्रैक्चुअल लाइक PCB ब्रोक द कॉन्ट्रैक्ट इट हैज विद हिम व्हिच अलाउज हिम टू गो टू लाइक गेट NOCs फॉर लाइक टू लीग्स आउटसाइड ऑफ द PSL, एंड जस्ट देयर लाइक या वी आर नॉट डूइंग, वर्कलोड मैनेजमेंट. एंड इट्स जस्ट लाइक हाउ डिड यू नॉट थिंक अबाउट वर्कलोड मैनेजमेंट व्हेन यू हैव प्लेड दिस गाय down to the freaking bones at this point. एंड गिव मी पिक्चर्स लाइक जो पिंडी में पिक्चर्स से मिली है रेगुलर. क्योंकि मैं एक बात कि अगर पिछले यू सेड ना कि पहले कोई बॉलर होता तो उसके साथ ही होता बोर्ड तो उससे में आता, अगर उसने इतने कुत्तों की तरह मैचेस खिलाए होते ना, एक तो शुएब अख्तर तो उस वक्त तक वुड हैव बीन यू नो लिटरली रिटायर्ड लाइक मे बी इन मंथ ऑफ शाहीन्स वर्कलोड. और वसीम वकार उस वक्त तक मतलब जाके यू नो वुड हैव मेड चेंजेस हैपन एंड डन डिसरप्टिव थिंग्स, वी नो दिस इट्स देयर राइट. सो मतलब द काइंड ऑफ नन ऑफ दोज गाइज वर प्लेइंग दिस वर्कलोड एंड नन ऑफ देम वर ट्रीटेड सो शिटली एंड स्टिल शोड अप टू वर्क लाइक शोएब अख्तर के They बहुत. were treated crap. मैं तुम्हें बताऊं, सरफराज नवाज का एक फड्डा एक बार था हाँ पीसीबी से बीसीसी पे बीसीसीपी से, कि वो उसकी फ्लाइट की टिकट नहीं दे रहे थे फॉर हिम टू लाइक कम बैक एंड लाइक रिहैब फ्रॉम इंजरी. ही वॉज प्लेइंग काउंटी क्रिकेट इन इंग्लैंड एंड ही गॉट इंजर्ड, और एक सीरीज के लिए तैयार होना था. दे वर लाइक कि नहीं, आप अपनी ओन फ्लाइट पैसे लेके आ जाएं. That's the point I'm making, right? The BCCP at that point could make like was a pretty, you know, archaic and not commercially rich entity anyways. Not to say that they were right to do this. ये अगर वो इशू कर रहे थे 50 साल पहले, अब तो अभी भी आप कर रहे हैं. और अब now there's like
There's not even county, bro. Like the world has changed on its head, and आप अभी भी वही इश्यूज के साथ किया ना कि हम नहीं पैसे दे रहे भाई, तू तेरा तो बाजू टूटा जाके दम दुरुद करा ले या फिर हमारे डॉक्टर के पास जाओ वो लिटरली लाइक यू नो जो 100 मूवी की पूरी फ्रेंचाइज है, इट्स लाइक लिटरली डॉक्टर सुहेल के सीसीटीवी फुटेज है कि वो बोल रहे कि हड्डियां काट रहे हैं और उनके घुटनों के अंदर से जो रिमूव द बॉल्स ऑफ द बेस एंड ही इज फीडिंग इट टू देम एंड देयर जस्ट लाइक हसन अली इज लाइक क्राइंग एंड ही इज लाइक रिमूव टू वर्टिब्रे ऑफ हसन अली इज बैक लाइक दैट्स द फ्रिकिंग पीसीबी ड्यूड एंड दिस Yeah, इज this is like for people listening out there, this is like a great idea for franchise. Dr. Sohail Saleem stars as लाइक medical horror. खैर तो फिर उस तरीके में यू नो लाइक वी द स्ट्रक्चरल इश्यूज एट द एंड ऑफ द डे आर द ओनली थिंग यू कैन रियली टॉक अबाउट बिकॉज लाइक बिकॉज ए हमारी पॉडकास्ट मुश्किल से 1 साल हुआ है, उसमें मैंने और आप ही ने अमेरिका से शिकस्त. आई नेवर थॉट आईड बी डूइंग दैट पॉडकास्ट सो क्विकली, बट दैट जस्ट इज माय इमेजिनेशन का मसला. हमने और कौन सी दो देखी है? ऑब्वियसली इंडिया से तो दलील वर्ल्ड हुआ, कप, हेलो ओडीआई वर्ल्ड कप, अफगानिस्तान से हारना और अफगानिस्तान से भी वो ओडीआई वर्ल्ड कप पूरा दैट होल शबैंग. और फिर उससे पहले एशिया कप में भी काफी तो हाँ डन यू नो के तो मुझे यही था कि बेसिकली यू नो पाकिस्तान इन दैट वे लाइक एज अ स्टोरी टेलर लाइक पाकिस्तान इज अ वेरी फन बट वेरी प्रिडिक्टेबल कैरेक्टर एंड इट्स अमेजिंग बिकॉज वेदर इट्स सरफराज नवाज और सरफराज अहमद. एक सेकेंड. वेदर सरफराज नवाज और सरफराज अहमद लाइक वो पूरे अभी टीम वही हरकतें कर रही होती है. बट इफ वी जस्ट रिटर्न टू द यू नो सो वही हरकतें करने का मतलब ये है कि यू नो एट सम पॉइंट आई न्यू दैट देयर इफ दे आर गोइंग टू बी इन दिस सिचुएशन जहां दे हैव टू जस्ट बैट आउट अ सेशन और टू सेशन, इट डजंट मैटर व्हाट द ऑपोजिशन इज, इट रियली डजंट मैटर कि वो यू नो कोई एलियंस आके खेल रहे हैं या फिर जो गली के बच्चे खेल रहे हैं. लाइक पाकिस्तान टीम अगर प्रेशर है, अगर इफ समथिंग इज ऑन द लाइन लाइक यू नो एंड दिस इज दैट यू नो व्हाट अजहर महमूद सर के ओ आर चांस टू विन दिस गेम इज गॉन, व्हिच मींस नाउ द थिंकिंग इज ओ द ओनली थिंग दैट कैन हैपन इज वी ड्रॉ दिस और वी लूज दिस वी कैन लूज. एंड वंस पाकिस्तान इज फेस्ड विद दैट चॉइस वी ऑलवेज नो वो क्या करने यू नो द टीम द काइंड ऑफ मेगा ब्रेन व्हिच वे इज गोइंग टू गो लाइक इट डजंट मैटर कौन है कौन नहीं है टीम के अंदर. बट अगेन इफ यू टॉक अबाउट द टेस्ट साइड लाइक यू नो एंड आई टॉक अबाउट द फैक्ट कि जब से रैम्बो आए उन्होंने पिचेस बदली एंड एक तो दैट मेड इट रियली हार्ड टू विन मैचेस इन पाकिस्तान. बट इट्स देयर इज ओनली सो मच यू कैन ब्लेम रैम्बो हियर एज वेल राइट. लाइक आई वाज जस्ट लुकिंग दिस अप के अंडर मिसबाह एंड यूनुस यू हैड दिस अमेजिंग टेस्ट साइड राइट. और फिर वो क्या कहते हैं कि दे रिटायर और उसके बाद से लाइक आई वाज जस्ट लुकिंग अप द फिल्टर्स आई हैव डन इट फ्रॉम 2016 होम एंड यूएई में मैचेस मिला के 25 मैच खेलने पाकिस्तान की टेस्ट मैच टीम ने 8 सालों में. लाइक दैट वाह, मींस इज दैट इट, या ड्यूड इंक्लूडिंग यूएई वाह. From 2016, so I'm even like you know okay, this is might be including some of the Miss You era as well, but Oh, from you're talking about home matches. yeah home and UAE yeah Oh, okay, sorry. That comes out to 3 test matches a season a year, 3 home test matches a No. year. और वो अक्सर वो होता है कि मतलब आपकी जैसे कि वो the last time you remember this team being good the test side is when we would beat South Africa at home, right? वो टीम भी No, that's cool. हाँ हाँ तो द लास्ट टाइम रिमेंबर दिस टीम बीइंग गुड इज जब साउथ अफ्रीका आई हुई थी, आपने होम पे इनको हराया था और जब पिचेस अच्छी थी और वो टीम भी 1 साल के बाद लाइक पिछला मैंने दिसंबर
दिसंबर में खेला था होम टेस्ट एंड देन एक साल बाद वो दिसंबर में खेल रहे थे होम. दे प्लेड वेल बट इट्स यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ प्लेयर्स इन दैट साइड और देयर इज यू नो सिमिलर थिंग्स हैपनिंग दैट दैट प्लेड दिस टीम एज वेल. बट अब तक ये जो टीम है उसके मतलब एक तो वो ये है कि दे ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम द फैक्ट कि आप इतने बड़े बड़े गैप्स के बाद खेलते हैं दैट यू डोंट गेट टू प्ले अ लॉट ऑफ मैचेस एट ऑल एंड देन You've got Rambo adding his own thing. मतलब एक तो है कि ना कि जो चेयरमैन आ रहा है वो अपने टाइम पे जो बकवास कर रहा है बट रैम्बो मेक श्योर टू लीव अ लेगेसी ऑफ इनकॉम्पिटेंस. तो उन्होंने वो मतलब पिचेस बर्बाद ही कर दी कि पता नहीं खोद के फिर से बनवानी पड़ेगी. पिंडी वॉज लाइक द मोस्ट फन ट्रैक इन पाकिस्तान एंड इट्स गॉन. एंड आई होपफुली इट कम्स बैक बट इट इज समथिंग इट्स नेचुरल इट्स नॉट मतलब देयर इज नो exact science to this kind of stuff, you know. No, I was speaking to somebody in the PCB. I was asking them, "Kya pitches ka kya scene hai? Yani ye relayed hui hain, kab hui hain, kya hua hai?" And apparently, what they've been doing is sounds very. And I don't know if it was explained to me properly. Lekin ye bahut hi ek Pakistani jugadu type scene ho raha hai ke in log ne har saal takriban ya har 2-3 saal pe instead of relaying the square completely. Which, you know, you don't need to do, of course, but clearly Pindi mein aapki koi problem chal rahi hai is pitch ke saath. What they've been doing is just like replacing the top 2.5 inches of soil and putting like new soil in. Which, I mean, look, I'm no curator. I don't know if that helps, but clearly looking at the results, it doesn't look like it's helping. Is baar August mein bhi khela hai, toh I guess, you know, it, like you have to account for that weather also. But they've played in Pindi in August. They played against Australia in March, was it? March, they played against them. And they played against England in December. August, December or March mein Pindi mein khela hai. Aur tino baar, halanki do result nikle hain un pitches pe, but tino pitches jo thi, wo result ke like nahi thi. Aur wo result sirf isliye nikla hai, ek to baseball ho gaya tha Pakistan ke saath, aur ek is baar Bangladesh ke khilaaf, jo, you know, Pakistan ne Pakistan ke khilaaf. What I do want to whatever time we have left, I do want to though just drill down on the team a little bit. Or inki jo performance thi is test mein. Like I know, you know, that there are all kinds of structural issues, not least the board as it is being done now. We've done like quite a bit on the structural issues. So now we can get into the players. Yeah, team mein, like there are serious problems now with this team. One, you know, sadly is Shan himself right now. Shan ki performances, you know, just from being captain, you know, we thought ke chalo Australia mein he gave a decent account of himself. Thode se run bana liye, 250 thi, I think, or ek do starts thi, and the style that he played in. Plus, you know, the contrast with Babar's captaincy was very obvious. Ye Shan proactive tha zade, he used his resources better. Kafi obvious sa lag raha tha. And I felt like as much as anyone can come out of credit from a 3-0 whitewash, I think he came out with a little bit of credit from that series. Ke chalo, here's somebody who can do something. Lekin, ek to ye test haar gaye, theek hai. You know, it's not all down on the captain, obviously. It's a fourth successive loss. Lekin, I really feel going into this next test, Shan ek aise stage pe already aa gaya hai, less than a year into his captaincy. Ki it's literally make or break now. Agar Pakistan ye test nahi jeetta hai agla, aur Shan ke run nahi bante hain, I can't see him being captain beyond that test match. Agar aap ek captain hai jisne Pakistan ki Bangladesh se home series hari aur aap khud nahi run bana rahe. Iski average before coming in as captain, since he made that 156 against England, uske baad se 13 test mein iski average 19 se kam hai, 18.87 chal rahi hai. You know, Pakistan mein aur kahin bhi, maybe not just Pakistan, but anywhere in the world, what gets you respect as a captain, what gets you time as a captain, what gets you any kind of, you know, stability as a captain is just personal performance. Aapko kutton ke jaise run banane hote hain agar aap batter hain, batter captain hain, ya agar aap all-rounder hain, to aap wickets bhi lein, aap run bhi banayein. You have to perform, otherwise your neck will be on the line constantly. You know, Misbah, jab kaptan bana tha, uske
उस वक्त भी यही किस्म के ये थे ना ऑब्जेक्शन से कि यार ये कैसे कैप्टन बन सकता है, इसकी तो टेस्ट में एवरेज 30 टाइप है ना, इसने कभी अपनी करियर बनाई है, बड़ा हो गया, बहुत ज्यादा एज हो गई उसकी, साइड में था नहीं, कैसे ये कैप्टन बन सकता है। मिसबा का जवाब क्या था कि उसने अपनी पहली 12 इनिंग्स में इस कैप्टन हिट 850 एंड 100, वहीं से उसने सबको चुप कर दिया। उसके बाद से कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि यार मिसबा क्यों है टीम में और क्यों है कैप्टन, यू नो। That was hard for Shan शुरू में ही ना, कि अगर आपने उसे कप्तान बनाया था तो ये तो आपको पता था कि पाकिस्तान के टॉप बैटर्स में नहीं है वो, he didn't have the average or the kind of run, but I think was the thinking एक ये थी कि भाई उसकी अप्रोच टेस्ट मैच क्रिकेट के लिए जो वो अग्रेसिव कर रहा था, जो भी कर रहा है वो, you know, that's something like it's not just the aggressive. दूसरी administration, वो पिछली administration की thinking थी, इस exactly. administration की नहीं. पिछली administration के वो उसमें thinking में था, मगर उसमें आपको समझ आ रहा था कि हाँ, he is somebody who's like who's got good cricketing sense. Test match में और cricket in general में अच्छी कप्तानी is a big boon, but also that बुरी कप्तानी is a huge weakness, right? So it's not just like a neutral thing कि किसी को भी बना दो. उसके ऊपर के मिसबान के ऊपर अगर इज अ गुड एग्जांपल, बिकॉज मिसबा के ऊपर अगर आपने ये उठाया सवाल वगैरह ये वो, बट दैट टाइम पाकिस्तान क्रिकेट में कोई था भी नहीं ऐसा कि मतलब अच्छा, अदर देन यूनिस कौन, असद शफीक या यू नो अजहर अली या व्हाटएवर, लाइक देयर असद तो नहीं था, असद तो पहले पहले शुरू में आया था, उसी साल आया था, जो कोई भी थे लोग उस वक्त, मैं भूल रहा हूँ, मगर कोई नहीं था एक्चुअली, दैट वाज द पॉइंट, कोई नहीं था जो आप कह सकें कि भाई इसकी जगह ये वो. अब शान मसूद अगर कप्तान है, इवन इफ ही इज लाइक एवरेजिंग 50, देयर इज शाहीन इन दैट स्क्वाड हु हैज कैप्टेंसी एस्पिरेशंस एंड वाज हैज लाइक अ लॉट ऑफ काइंड ऑफ बिटरनेस अराउंड द फैक्ट दैट ही वाज थ्रोन आउट. बाबर आजम हु इज द एक्स कैप्टन एंड इज लाइक यू नो वन ऑफ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स. और फिर आपके पास मोहम्मद रिजवान है, अनदर गाय विद कैप्टेंसी एस्पिरेशंस, हु अगेन लाइक you know, if the thinking was all of those things that made Shan a captain, there was a good argument that well, Rizwan could be captain, but instead, for another Pakistani bakwas, Rizwan ki jagah hi pakki nahi thi. So, Sarfaraz bhai ke saath wo ek ajeeb wicket-keeping battle chal raha tha, which, if you look at the numbers, it's like insane. It's not even a contest. It's not even a contest. So, खैर तो यू नो उसमें लेट्स नॉट डाइग्रेस देयर, बट द पॉइंट इज कि दैट्स अनदर गाय. सो देयर इज ऑल दीस डिफरेंट पीपल वेयर अगर शान के बहुत रन बन भी रहे होते तो तब भी यू नो इन द ड्रेसिंग रूम इन द टीम और व्हाटएवर दे वुड बी कमांडिंग अ लॉट मोर रिस्पेक्ट फॉर यू नो और मतलब कि आई डोंट वांट टू से मोर और लेस रिस्पेक्ट व्हाटएवर बट दे वुड जस्ट बी अदर पावर सेंटर्स दैट ही हैव टू बी वेरी ऑफ कोर्स एस्पेशली बड़ा ट्रिकी था बट उसके ऊपर अगर उसके रन भी नहीं बन रहे हैं देन दैट सिचुएशन ऑब्वियसली makes it really, really hard for anyone to kind of work in that, right? Like, because you've got all these people in there who are already. So, aapko kya kehte hain ke... you've got all these people and, yaar, you know, that's the only way. Imran Khan tak bhi chale jao. Imran Khan ka pehla, the lesson that he learned when he became captain in 82, you know, he in his first test, he played this like irresponsible kind of hook shot, got out in the first innings. And he realized then immediately कि यार अगर मैं नहीं रन बनाऊंगा ना as captain तो मेरी मैं जो भी कर लूं मेरी जगह तो नहीं बनती है इस टीम में like as in like मुझे there'll always be a reason to kind of look down on me so he was like I've got to keep performing so आपका कितना वो but Imran हाँ. again you get a great example because now Imran is also somebody जो आपको आपके टीम का playing का अंदाज बदलना चाह रहा था and those two things are so related because why would I try this new risky approach which might cost my team, my place in the team, unless I'm like, अच्छा भाई ये भी बड़ा उसी तरीके से खेल रहा है और succeed कर रहा है तो फिर मुझे भी ऐसे ही खेलना चाहिए, right? And it's, again, all of these things, it's ऐसा नहीं है कि उसके बगैर हो नहीं सकता, but अगर ना हो रहा हो तो आपका आपका बहुत मुश्किल हो जाता है. And again, like, Pakistan, it was really obvious, got bored of this match, were underestimating and condescending towards Bangladesh's chances, और फिर जब आखिर में जाके वो मोमेंट आया वे दे जस्ट हैड टू काइंड ऑफ पुल टुगेदर दैट्स वेयर यू नो आई फील अगेन फ्रैक्चर्ड काइंड ऑफ टीम्स एंड इसका ये नहीं मतलब आई फील सो मेनी पीपल वांट टू मेक इट अबाउट लाइक टीम में डिविजंस हैं ये हैं वो हैं इट्स जस्ट यू नो यू वर्क्ड ऑन अ ग्रुप प्रोजेक्ट मैन यू हैव मेड पावर पॉइंट्स विद फाइव पीपल
sometimes they go well, sometimes they go badly. Teams ka ye dynamic hota hai. This is obviously a team where Shan in that position is suffering from that. And obviously, Shan is not the only guy out of form, right? Like, I'd like you to talk about Babar as well. Babar is, just before Babar, a quick word for Abdullah Shafiq, who I think is going to come under pressure. Just because, you know, he's been kind of iffy since his last big score. The double 100 mari thi pichle saal Sri Lanka ke khilaf in that great series that they had. Uske baad se, he's, you know, he went to Australia, had a tough tour, scored some runs, but had a tough tour. You know, the way Pakistan think, Saim abhi dusra opener hai, to aap Saim ko to ye series de rahe hain. To Saim probably will play that second test and he's got a 50 in the first test. So, you know, they've got to play him. Is the pressure now for those changes? Is the pressure now on to bring Herrera in? Because he's been scoring runs domestically. Bahut shor hai ki yaar Herrera, Herrera. So, Abdullah Shafi, he's in under threat. And I feel he should not be. Magar, I can see, you know, I jis tarah se log sochte hain, I can see ke he's an easy change for them to make. Because now uske abhi position itni hai. The difficult question, of course, is, and not that I think that Babar should be dropped yet, lekin Babar ki form ki serious issues chal rahi hain, in that he doesn't look terrible, but I think I've come to a point in my kind of assessment of Babar is that apart from the first few years of his career, even then, he doesn't ever look terrible. He doesn't ever look anything other than fairly comfortable at the crease. Jo bhi, you know, bahut hi kam baar aisa hua ki yaar Babar bahut hi zyada scratchy laga hai. He's not looking terrible, but it is. I don't know. Maine match se pehle ek piece likha tha jisme the one thing that I could think of was, जो हम लोग अभी पहले ही बात कर रहे थे कि इतने पाकिस्तान के गैप्स के साथ टेस्ट मैचेस होते हैं ना, 9 महीना 7 महीना 8 महीना, फिर 6 टेस्ट खेल लिए, फिर 7 महीने का ब्रेक हो गया, बीच में आप इतनी T20 वाइट बॉल करके खेल रहे हैं. मे बी इट्स अ रिदम थिंग कि वो यू नो लॉन्ग फॉर्म बैटिंग थी, उसकी रिदम आ नहीं रही है इतनी. आई थॉट ही वॉज अगेन ही वॉज पोर इन दिस टेस्ट मैच. आई डोंट थिंक ही इज एनीवेयर क्लोज टू बींग ड्रॉप्ड yet, लेकिन एक इशू बन गई है बाबर की, यू नो, बिकॉज स्पेशली जब बाबर आउट होता है तो देन यू कैन लाइक सी द होल रेस्ट ऑफ द बैटिंग ऑर्डर काइंड ऑफ थिंकिंग, अच्छा अब ये सीरियस एक सीन आ गया है. कभी कभी दे'ल रिकवर एंड दे'ल बी फाइन एंड दे हैव बीन, यू नो, बट इन स्पेशली इन अ सिचुएशन लाइक दे फाउंड देमसेल्व्स इन द सेकंड इनिंग्स हियर कि जब बाबर आउट होता है तो देन इट स्टार्ट्स फीलिंग लाइक ओके. सो ही हैज टू, यू नो, कप्तानी नहीं है उसके पास. Maybe that's why he's kind of, although some of this poor run that he's had recently has been under his captaincy also. Maybe it's the captaincy that he's, you know, maybe he's not happy with his position there. Maybe he's distracted by all these other things. Who knows? Lekin Babar ko wo ek apna level regain karna hai jo uska 3-4 saal ke liye chala tha before this patch, you know, when he was averaging 60 around the world, playing some great innings, playing some great 60s and 75s, making some great 60s and 75s, but also hundreds, big hundreds. Uska jo form tha wo, like, I still feel confident that he will get back into that kind of form. It's a matter of, but something has to sit right with him. Whether it's his place in the team, whether it's the schedule. Is saal usse, you know, lagatar uske 8 aur tests hain abhi. जो इस सीजन वो खेलेगा. दैट्स इनफ टाइम, दैट्स इनफ टेस्ट क्रिकेट टू बी प्लेइंग इन दैट रिदम टू गेट बैक इनटू इट. आई फील कॉन्फिडेंट दैट ही विल. लेकिन इट्स वाइटली इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान दैट ही इज लाइक स्कोरिंग रन्स. उसके बाद से, यू नो, रिजवान, सलमान अली आगा एंड सऊद शकील. होल्ड ऑन बाबर एक सेकंड के. या ऑफ कोर्स, गो ऑन. आई फील के वही अगर हम बात करें जो शुरू के इसके कुछ साल थे, जब 2019 में वर्ल्ड कप में इसने न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान को चेज करके मैच जिताया था और 100 मारी थी, तो यू नो वेरी अर्ली स्टिल इनटू हिज करियर, बट आई वाज रेडी एट दैट पॉइंट कि यार ये बंदा अब पाकिस्तान के ऑल टाइम टॉप 3 में आ जाएगा. और बल्कि मुझे खुशी ये भी हो रही थी कि यू नो लाइक हनीफ जावेद, वाई के, एंड इफ यू वांट टू पुट इंजी ऑन दैट लिस्ट, लाइक Or Inzi had, you know, some grace and whatever, but like none of them are like really aesthetic batters the way Babar is. Or us waqt tak usne itna kuch kar diya tha, you know, he looked comfortable, as you said, like Australia maybe, South Africa maybe, her format maybe.
तो मुझे ये था कि हाँ भाई इसका तो सितारा चढ़ता ही रहेगा, तो लाइक इवन गिवन पाकिस्तान क्रिकेट के अपने सारे इश्यूज, उसके बावजूद लाइक आई वाज रेडी टू पुट हिम ऑन दैट लिस्ट राइट देयर, राइट बैक देन देयर। आई थिंक कि पिछले 2-3 सालों में, एंड ऑब्वियसली बहुत दफा हम मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के इश्यूज को कन्फ्लेट करते हैं, आई थिंक इज जस्ट यू नो लाइक आई एम एक्सपेक्टिंग बाबर टू डू समथिंग एंड इट्स नॉट हैपनिंग। एंड आई फील इन वाइट बॉल क्रिकेट या एटलीस्ट इन T20s आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस, मगर ODIs एंड टेस्ट में ही इज लॉस्ट अ लॉट ऑफ दैट काइंड ऑफ इम्पीरियसनेस विदाउट रियली इट लुकिंग वेरी ऑब्वियस के वॉट द स्पेसिफिक टेक्निकल इशू इज। एंड आई एम श्योर लोगों के पास ये डेटा शेटा निकालने जो भी, मुझे नहीं पता, बट या लाइक इन दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि दैट ऑरा हैज बीन पंक्चर्ड। And the same way with Shan, they're dealing with different things. Shan is looking to establish his captaincy. Babar is looking to establish his legacy as one of the greatest batters of all time in Pakistan history. You have to put those runs up without it. कि मतलब उसके बगैर ये कोई भी बात पूरी हो ही नहीं सकती, चाहे आपका जो भी प्रॉमिस और पोटेंशियल हो। और उस तरीके में कि अगर बाबर के रन नहीं बन रहे, लाइक इन एनी पिच लाइक दैट समवेयर, लाइक यू लॉस्ट 50 रन्स इन योर इनिंग्स, you know, or across the match, like straight away. And you, this Pakistani, any Pakistani side can never afford that. Runs scored is not something that we have a lot of. Or to us tarike mein, yeah, like I feel, you know, his career is still storied enough and he has is very young still. So he has a lot of time to kind of change that narrative. But this is kind of like, you know, एक बड़ा लंबा स्लंप आ चुका है जिसका आप सिर्फ के अच्छा नहीं उसे कप्तानी ले ली गई, जो अगेन ही हैज ट्रीटेड रियली पोअरली एज वेल। मगर जैसे कि कहा कि वो उसकी उसकी ये फॉर्म पहले से खराब हुई भी है, उसी के साथ साथ के आपके पास यू नो पाकिस्तान क्रिकेट में भी जो भी उतार चढ़ाव चेंजेस वगैरह आ रहे हैं, ही सफर्स फ्रॉम दैट एज मच एज एनीवन एल्स। द लैक ऑफ रिदम आई थिंक इज अ रियली गुड पॉइंट एज वेल, के आपको वो यू नो स्पेशली समबडी लाइक बाबर आजम, वो तो नहीं खेल रहा है किसी भी किस्म की डोमेस्टिक या साइड क्रिकेट। यू नो ही इज आइदर एट मोस्ट समटाइम्स इज गेटिंग अ फ्यू T20 लीग्स, अदरवाइज इज जस्ट कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान टीम के लिए खेले जा रहा है। तो वहां पे रिदम आना भी एक बड़ा मसला है। और वही है कि यू नो इज जस्ट अगेन लाइक हिज कैप्टन रिक्वायर्स हिम to save the side, and he was like, he's literally the guy who's replaced him. So like, you know, it's just, it's obviously team sports mein aap aisi surat-e-haal mein aate hain, but once again, it's just been like horribly managed and left everyone that terrible kind yeah, of... Yeah, you know, tumne bhi kaha tha na ki he has like plenty of time in his career. Like, I mean, he's, you know, he's 29. Agar ye England ya Australia ya India ke liye khel raha tha, we'd say ki abhi to yaar bahut lambi iski career baki hai. But actually, इस साल वो 8 और टेस्ट खेलेगा, एंड देन अगेन देयर विल बी अ गैप ऑफ लाइक 10 मंथ्स बिफोर ही प्लेज द नेक्स्ट टेस्ट, यू नो ही विल बी 31 बाय द टाइम ही प्लेज इट। सो ही इज लाइकली नॉट गोना एंड, ही माइट नॉट एंड विद 100 टेस्ट इवन इन हिज करियर, तो इतना टाइम इसके पास नहीं है। ओली पोप, मैं ओली, अब शान मसूद की बात हम लोग कर रहे थे, मैं ओली पोप का रिकॉर्ड देख रहा था। ओली पोप हैज प्लेड, हु इज ऑल्सो करंटली एज यू विल नो द कैप्टन ऑफ इंग्लैंड बिकॉज बेन स्टोक्स इंजर्ड हुआ है। ओली पोप ने बाबर आजम से सिर्फ 6 टेस्ट कम खेले हैं नाउ, एंड ही एवरेजेस लाइक 34 इन हिज करियर और समथिंग, यू नो। सो आई वाज लुकिंग एट लाइक, या ही हैज एन एवरेज ऑफ 34, 47 टेस्ट करियर, कैप्टन ऑफ इंग्लैंड। बाबर ने 6 टेस्ट कम खेले हैं, ओली पोप ने? बाबर आजम के 53 टेस्ट हैं, ओली पोप के 47 हैं। बट दैट्स द क्रेजी थिंग राइट, अगर ओली पोप ने 2 लगातार साल इंग्लैंड के लिए सारे मैचेस खेले होते तो प्रॉब्ली उसी में उसके 40 हो गए। 40 टेस्ट तो आप कैसे हो गए, 20-20 टेस्ट वो लोग खेलते हैं एक साल में, 40 टेस्ट तो ऐसे ही हो गए और वो से ड्रॉप नहीं करते हैं, यू नो। बट आई वॉज लुकिंग एट लाइक द कॉन्ट्रास्ट विद लाइक शान ने कितने साल हो गए शान को, 11 साल हो गए टेस्ट क्रिकेट खेले हुए, डेब्यू करे हुए 2013 में डेब्यू करा था शान ने। शान ने 11 साल में 34 टेस्ट खेले, 34 टेस्ट, यानी उसे आपने ड्रॉप भी करा है, यू नो गलत भी ड्रॉप करा है, सही भी ड्रॉप करा है। ये एक अजीब सी उसकी, वाकई में एक बहुत ही अजीब सी करियर इस बंदे की निकली है, जिसमें आपको हमेशा लगा है कि यार इसमें इसकी सीलिंग हाई है, लेकिन ही डजंट हिट दैट सीलिंग, एंड देन यू स्टार्ट वंडरिंग एक्चुअली यार मे बी दैट सीलिंग इज नॉट एज हाई एज वी थिंक इट इज, मे बी द सीलिंग इज अ प्रीटी अग्रेसिव 40 और 50, बट दैट्स इट।
आई फील दिस इज यहाँ पे जो बात हम पहले भी कर रहे थे ना कि जैसे आई वाज व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट लाइक ओके हाउ बैड इज दिस टीम, पाकिस्तान टीम्स इन द हाँ पास्ट एक्सेट्रा. ऑब्वियसली रेफरेंस पॉइंट हमेशा 90s को जाता है. और एक चीज ये है कि यू नो द 90 साइड्स लॉस्ट एट दैट टाइम वर ह्यूज अपसेट्स, लाइक लॉस्ट टू श्रीलंका एट होम, लॉस्ट टेस्ट मैच जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे. तो सी क्या कहते हैं कि उनके साथ ऐसे हुए थे, बट यू नो एज यू पॉइंटेड आउट उनकी सीलिंग्स आर हायर. बट ऑल्सो दैट वॉज अ टाइम वी हैड अ रेगुलर टेस्ट मैच होम सीजन दैट दीज गाइज वर प्लेइंग. तो यू नो कि वो था कि आपको मुझे याद है कि अच्छा ये बैटर इस ग्राउंड में अच्छा खेलता है, ये बैटर इस मैदान में खेलता है. अभी तो पाकिस्तान में मतलब वो इतने अरसे बाद होते हैं, और फिर वही कि वो सिक्योरिटी की वजह से सिर्फ इन दो वेन्यू पे होंगे या ये होगा. इट्स जस्ट बिन लाइक आई थिंक फॉर द लास्ट यू नो सिंस दोज अटैक्स लाइक 15 साल हो चुके हैं कि बड़े अब्जर्ड करियर्स निकलते गए हैं. एंड शान का तब भी आई थिंक पिछली वाली जनरेशन से या मिनी जनरेशन बिफोर हिम से तब भी थोड़ा बेहतर हाल है. बट आई थिंक एक चीज अगर यही हो जाए कि पाकिस्तान में एक होम सीजन हो जाए, एंड आई फील लाइक वी हैव लॉट मोर अदर थिंग्स टू डिस्कस इंक्लूडिंग माई कंटेंशन दैट आई डोंट थिंक दे शुड प्ले साइम इन टेस्ट. बट आई थिंक एक चीज अगर कमिंग बैक टू द स्ट्रक्चर ऑफ इट, आई वुड रियली लव टू सी अ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विच इज अ टू टीयर्ड सिस्टम एंड मे बी रन ओवर अ 2 ईयर साइकिल. तो वो टॉप 4 टीमें वो एक दू जब 5 हों वो एक दूसरे से खेल लें, और आपकी मे बी यू कैन मेक इट 3 टीयर्ड और मे बी यू नो 4-4-4 करके आप वो बना दें, एंड दे ऑल हैव टू लाइक काइंड ऑफ प्ले इच अदर होम इन अ वे, एंड यू यू देन हैव लाइक टीम्स गो अप एंड डाउन, बिकॉज दैट वे यू आर इंश्योरिंग एटलीस्ट कि हर टीम को इतना खेलने को मिल रहा है कि इट्स नॉट जस्ट दैट द प्लेयर्स आर गेटिंग अ चांस टू बिकम गुड टेस्ट प्लेयर्स, बट ऑल्सो दोज बोर्ड्स एंड दोज फैसिलिटीज एंड दोज क्यूरेटर्स एंड दोज हॉस्पिटैलिटी, ऑल ऑफ दोज पीपल आर ऑल्सो गेटिंग रेप्स इन, राइट? लाइक उसके बगैर आपके यही इसीलिए लाइक सो मच ऑफ दैट डिटीरिएशन और सो मच ऑफ द सीलिंग कमिंग डाउन फॉर द प्लेयर्स एंड फॉर द टीम इटसेल्फ इज अ रिजल्ट ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स, राइट? और उसको एक हल करने का भी एक तरीका है, अगर वो यू नो इनफैक्ट आज ही ये खुशखबरी मिली है कि आईसीसी के एक नए सरबरा आए हैं, तो मुझे यकीन है आई हैवेंट लुक्ड अप व्हाट हिज नेम इज, बट आई एम श्योर दैट ही इज गोइंग टू बी लाइक आई डोंट इवन नो इफ इट्स अ ही बट हूएवर दे आर. Sure. हाँ दे इट साउंड्स लाइक दे are going to be amazing for test cricket and especially Pakistan cricket as well in the future. But yeah, we've done quite a lot and there's पर like आज के समय के more. हमने टीम को डिस्कस ही नहीं करा है हार्डली. Yeah, I'm sure हमारी सारी कमेंट्स होंगी कि आपने ये नहीं बोला कि रिजवान और रसूला, तो आई फील और भी हमें यार अगले टेस्ट लाइक में क्या होगा यही कर लेते हैं, 2 मिनट ये बात कर लेते हैं अगले टेस्ट में क्या होना है. Just so I will do the narrative aspect, you can do the cricket aspect, because narratively I think Pakistan is still in a very bad place. Like you know, it's just I don't think we've hit rock bottom. मैं सिर्फ इतना कहना ओह माय गॉड, चाहूंगा कि अभी और यार ये एक व्हाइट अभी जिस वॉश तरीके से हालात बांग्लादेश. चल रहे ना, ये रॉक बॉटम नहीं है. आपको लग रहा होगा कि बड़ा बुरा था, मगर आने वाला टेस्ट वही हो रहा है. लाइक आई एक्सप्लेन इट दिस वे, यू नो व्हेन यू आर वॉचिंग अ हॉरर मूवी तो उसमें आपको पता है ना कि भाई वो उस अगर इस लाइक हे व्हाट अबाउट दैट डार्क एली लेट्स गो देयर, दैट्स जस्ट लाइक समवन्स गोना डाई लाइक दैट, यू नो दैट, राइट? एंड मे बी इफ इट्स लाइक अ जॉर्डन पीले काइंड ऑफ यू नो पोस्ट मॉडर्न वन तो दे विल स्विच दैट, बट पाकिस्तान इज नॉट. पाकिस्तान इज अ बी क्लास यू नो लेट नाइट चीपली मेड हॉरर मूवी दैट कैन गो लाइक दैट कैन हैव ह्यूज हिट्स एट टाइम्स. बट दैट्स व्हाट इट इज. एंड उसमें आपको पता है कि अभी अगर ये इस डार्क एली ऑफ पिंडी में पिट के आए, नाउ दे आर गोइंग देयर अगेन विद द सेम टीम, देयर यू नो मे बी दे विल ड्रॉप, दे विल बी प्रेशर टू मेक सम चेंजेस. आई डोंट थिंक यार देयर इज नो वे पाकिस्तान कैन गो अनचेंज, राइट? तो आई थिंक कि उसमें वही सलमान इज जस्ट नॉट, यू एंड आई एग्री विद दिस, बट विल इज अ लाइकली कैजुअलिटी. मे बी अब्दुल्ला शफीक, मे बी यू नो डेफिनेटली लूज वन ऑफ द पेसर्स, चला जाएगा. तो आपके पास चेंजेस आने वाले हैं, मगर वो यू नो कोई खास मेंटेलिटी में तो और एबिलिटी में तो फर्क नहीं आएगा. और अब आप उसी पे आई थिंक उम्मीद कर रहे हैं कि मे बी इफ बांग्लादेश गेट कम्प्लीसेंट, इफ बांग्लादेश आर नॉट लॉक्ड इन, देन पाकिस्तान कैन मे बी गेट अवे विद ड्रॉ. बट आई फील
कि वही कि इंटीरियर मिनिस्टर इज इग्नोरिंग द सिक्योरिटी सिचुएशन द कंट्री टू फिगर आउट के यू नो हाउ टू मेक द क्रिकेट टीम बेटर एंड एनीवेज तो उस टीम का भी बॉटम और भी है क्रिकेटिंग मुझे भी इवन द क्रिकेटिंग साइड बाय द वे मुझे भी आई थिंक जहां तक मुझे याद है पहली बार शायद मैंने ये सोचा हो कि यार मुझे वाकई में नहीं पता यू नो यूजली पाकिस्तान अगर एक वीकर टीम से हारता है जैसे बांग्लादेश वुड बी कंसिडर्ड अ वीकर टीम देन पाकिस्तान इन टेस्ट मैचेस स्पेशली इन पाकिस्तान अगर एक मैच हारता है ना तो मुझे पता है कि यार अगले मैच तक इतना डंडा पड़ चुका होता है ना कॉम से चेयरमैन से एक्स प्लेयर से कि एक परफॉर्मेंस आ जाती है और चलो ये सीरीज तो ये टेस्ट जीत जाते हैं ये होता है अमूमन होता है पाकिस्तान के साथ और ये जैसे भी आयरलैंड से हारे बायलैटरल सीरीज में पहले मैच में से दूसरे दो मैच में फिर हरा दिया यानी थोड़ा सा डरना लगता है एंड दे यूजली जनरली काइंड ऑफ बाउंस बैक इस टीम में अक्रॉस फॉर्मेट्स मुझे ये नजर नहीं आता है और जो तुम बात कर रहे हो ना कि जब बुरी होती है तो इसका मतलब ये है कि शायद अभी और एक दो और लोज हैं बाकी जिस तरह की पिच है पिंडी की जो अभी मूड चल रहा है पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक का उसमें अगर अब्रार वापस भी आता है द ओनली वे दैट आई कैन आल्सो सी पाकिस्तान विनिंग दिस नेक्स्ट टेस्ट इज आल्सो बिकॉज यू नो बांग्लादेश आर एन इम्परफेक्ट साइड बांग्लादेश फॉर एवरीथिंग दैट वी लव अबाउट देम दे आर आल्सो प्रोन टू लाइक bouts of absolute cricketing madness. जैसे आप लेबल बदल दे वो उनकी टीम भी यही कर सकती है इसीलिए मैं शुरू में एक कोलैप्स हो जाता है ना पहली पहली सुबह को कोलैप्स हो गया या तीसरे दिन के टी टाइम सेशन में हो गया तो दैट चेंजेस द मैच कंप्लीटली दैट इज द ओनली वे आई कैन सी पाकिस्तान लेवलिंग द सीरीज बिकॉज अभी यू नो आप 3.5 साल से नहीं जीते हैं होम पे There's like a reason for it, and you can see why they haven't won. They don't know how to win at home. एक जो इनकी series थी, which now, you know, मैं till my dying day, I will point people to the line that I wrote at the end of that piece about वो जो पाकिस्तान वे वाली जीत थी, जो श्रीलंका में जीते थे, जब रेहान उल हक manager थे और you know बड़ा एक attacking style खेला था. उसका linchpin, by the way, Shaan Masood was like the bellwether at one down. You know, he came out and played like these fast 50s and all. मैंने वो उस पीस में आखिरी में लिखा था कि कि यू नो पाकिस्तान वे इज आल्सो सेल्फ सैबोटेज और अगर ये आप पूरा ये इदारा और मैनेजमेंट सब चीज चेंज कर दें तो दैट विल आल्सो बी द पाकिस्तान वे तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड सिंस देन इज कि इन्होंने सब चीज यानी बिहाइंड द सीन्स बदली और अब आपकी टीम ऐसी हो रही है तो आई डोंट नो मैन मुझे लगता है कि इट विल रिक्वायर अ बांग्लादेश मेल्टडाउन for Pakistan to pull out a win. Changes होंगे एक दो आई थिंक अब्रार आ जाएगा आई थिंक अगर अब्रार को अब नहीं लाते हैं तो वाकई में इन्हें कोड़े पड़ेंगे लाइक यू नो पीपल बी लाइक गिलेस्पी को यार कि तुम अपने हमें ऑस्ट्रेलियन समझा हुआ है तुम क्या पर्थ में खेल रहे हो लाइक इवन ऑस्ट्रेलिया ब्लडी प्ले नेथन लायन यार आई नो नेथन लायन इज अ ग्रेट ऑफ स्पिनर एंड ऑल ऑल्दो नॉट अकॉर्डिंग टू यू बट यू नो ही इज अ ग्रेट ऑफ स्पिनर बट इवन ऑस्ट्रेलिया प्ले नेथन लायन यू गॉट टू प्ले यार पाकिस्तान में देयर इज अ रीजन व्हाई Pakistan has only played 3 test matches in like 30 odd years without a frontline spinner because you always need a damn spinner at least most of all at this time of the year you know Abrar ko aapko khilana zaruri hoga Mohammad Ali loses his place maybe more drastically Shaheen Afridi ko ye log nikale like ye bhi sunne mein aaya tha ki you know Shaheen ki bhi jagah hai paternity leave and just you know make it easier that's the very convenient excuse yeah press release aayegi Shaheen Afridi takes paternity leave with the Shaheen Afridi tweet aayegi though I never took paternity leave they dropped me that would be idea that would be the cherry on top of this cake that would be perfect but Yeah, so that's what we're predicting for the next round of matches. This episode's gone on forever. So, hum ab aap se Friday. Friday's the next game. Yeah. Friday morning. And hopefully we'll get something. And I think, yeah, like I feel definitely Pakistan can... the best that can happen is that we'll be in a position to win it maybe. And then, you know, Mushfiq or somebody will play a really good innings and match draw jayega or Pakistan series aa jayega. इसी पे रोना धोना होगा एटसेट्रा एटसेट्रा बट वील बी देयर टू गाइड यू थ्रू ऑल ऑफ दैट टिल देन टेक थ्रू ऑल द ग्रीफ यस थ्रू ऑल द ग्रीफ